किसके साथ? कांग्रेस का गठबंधन किस और पार्टी कांग्रेस स्वयं सक्षम है, जनहित के लिए गठबंधन नहीं कहा, ये तो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गठबंधन है, लूट का गठबंधन है। अशोक तंवर का बयान है तो उन्होंने कहा कांग्रेस में गुलाम है, पहले एक गुलाम आया फिर दूसरा तीसरा, इस पर आप क्या कहेंगे? सर एक साल बचा चुनाव के लिए, तो आगे क्या कुछ रणनीति है कांग्रेस की, क्या रणनीति है सर? चुनाव क्या सरकार है कांग्रेस और लोग मन बना चुके हैं, छत्तीस बिरादरी ये आपकी बात 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से दूसरी पार्टी बीजेपी की बात करें, जेजेपी की बात करें, रैलियों का एक दौर सा शुरू कर दिया है, कई गृह मंत्री भी आगे गए, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी हरियाणा के अंदर आ रहे हैं, तो इस तरीके से कांग्रेस की शुरुआत कब होने वाली है? तो पहले कर चुके सब विपक्ष आपके समक्ष जो है 7 पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में कर चुके हैं, 8वां आप जो है भिवानी में है 9 तारीख को, उसके बाद हिसार और रोहतक पहुंच जाते हैं, उसके बाद हिसार करेंगे फिर रोहतक करेंगे, हम तो उनसे बहुत पहले कर चुके, वो तो आप चुनाव के समय आए, हम तो जो ये विफल सरकार है उसके मुद्दे उठाते रहे, जो आज हरियाणा 2014 में प्रति व्यक्ति आए प्रति व्यक्ति निवेश में उन्हें छोड़ा था, नौकरी देने में नंबर एक था, और उस समय जो है कानून व्यवस्था में नंबर एक था, आज इनकी उस सरकार बनने के बाद आज बेरोजगारी भी नंबर एक है, महंगाई नंबर एक है, और अपराध में भी देश की ऊपरी 2-3 स्टेटों में से आ गया। तो सर लगातार लग रहा है कि कहीं गठबंधन की जो खबरें आ रही है उस पर क्या कहेंगे आप? गठबंधन भी हो सकता है आपकी बात? किसके साथ? कांग्रेस का गठबंधन किस और पार्टी के साथ? कांग्रेस सक्षम है, सरकार घोषणाएं कर रही है भाई साहब, उनको क्या लग रहा है पूरी होगी कि? अब पहले ही घोषणा पूरी होगी, पहले वाली घोषणा पूरी होगी तो ही होगी, धड़ाधड़ कर रहे हैं, चुनाव देख के कर रहे हैं, उनको पता है ये भाई जो है ये इन्होंने तो कर्जा लिया काम कुछ नहीं करना, चारवाक की नीति पे चलते हैं, चारवाक कहता था कर्जा लो ही पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता, घोषणा के बाद तो इनको नहीं पता है, जैसे मेट्रो का कहा है कि मेट्रो मेट्रो घोषणा करने से होती है क्या? मेट्रो तो जो जैसे बहादुरगढ़ से यार वहाँ तक हमने बनाई, गुड़गांव में बनाई, बल्लभगढ़ तक बनाई, इन्होंने 1 इंच बनाई 9 साल में, गठबंधन में सरकार बनी लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता उन्होंने ये कहा है कि दुष्यंत सिंह चौटाला तो उत्तराखंड से चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, और वो ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड आके दिखाएं, कि कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं दोनों पार्टियों गठबंधन में सरकार में थोड़ा ही था जनहित के लिए गठबंधन नहीं कहा, ये तो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गठबंधन है, लूट का गठबंधन है। हुड्डा साहब अशोक तंवर का बयान है तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गुलाम है, पहले एक गुलाम आया फिर दूसरा तीसरा, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस में गुलामों की भरमार है, पहले गुलाम एक आया फिर दूसरा आया तीसरा गुलाम आया, जिस पार्टी में हो गए हैं? नहीं कांग्रेस में बोल रहे हैं, कांग्रेस तो स्वतंत्र सेनानियों के परिवार उसकी पार्टी है जिसने देश को आजाद कराया है, गुलामी से तो पीछा छुड़ाया कांग्रेस ने, अंग्रेजों की गुलामी से किसने पीछा छुड़ाया? कांग्रेस ने छुड़ाया। हुड्डा जी बीजेपी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं पहले कांग्रेस पार्टी के नेता एक मंच पर आए, कोई प्रभारी एक मंच पर आए जाते हैं, एक गुट किए जाते हैं, कोई नहीं कोई गुट नहीं बाजी नहीं पाऊंगे सब एक।